वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस क्लास से हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो रियल नंबर्स के बारे में है और इसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जानेंगे और उसके बाद प्रॉपरली क्लासेस चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस पहले चैप्टर में हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ना है और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें रियल नंबर्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स का डिफिनेशन क्या है? रियल नंबर्स का डिफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हिंदी में समझते हैं कि सारा रेशनल नंबर का कलेक्शन और सारे इरेशनल नंबर का कलेक्शन एक साथ कहलाता है रियल नंबर्स। मतलब ये है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेशनल नंबर्स, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स इन दोनों का कलेक्शन जो है ये साथ में कहलाता है रियल नंबर्स। ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो यही कलेक्शन कहलाएगा रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर्स का डिफिनेशन। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं रियल नंबर्स का। जैसे 1/2, ये क्या है? रेशनल है। ठीक है, लेकिन सारा रेशनल और सारा इरेशनल क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो मतलब ये रियल नंबर भी हो गया। उसके बाद ये √2 इरेशनल है, लेकिन इरेशनल और रेशनल का कलेक्शन ही रियल नंबर होता है, इसका मतलब ये भी रियल होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी रेशनल और इरेशनल होगा वो रियल होगा, या जो रियल नंबर होगा या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। यानी कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लासेस में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।